दोस्तों, पाकिस्तान की गरीबी भला कौन नहीं जानता। वह आए दिन किसी न किसी देश से आर्थिक मदद लेता रहता है। इसी गरीबी को देखते हुए वहां की सरकार कुछ ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसे जानने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पाकिस्तानी सरकार जिंदा लोगों से तो टैक्स वसूल ही रही है, लेकिन अब उसने मुर्दों से भी पैसे वसूलने का मन बना लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पाकिस्तानी सरकार ऐसा कौन सा नियम बनाने जा रही है जो पूरी दुनिया में हैरानी का विषय बन चुका है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर मिश्रा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड फैक्ट्स ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने लाहौर में मुर्दों को दफनाने के लिए बनने वाली नई कब्रों पर 1000 से 1500 पाकिस्तानी रुपए वसूलने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर नगर निगम ने सुझाव को मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। इस मामले में निगम ने यह दलील दी है कि जो रुपए वसूला जाएगा उसका इस्तेमाल कब्रिस्तानों की देखभाल के लिए किया जाएगा। निगम के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार बालिग व्यक्ति को दफनाने के लिए 1500 रुपए और नाबालिग को दफनाने के लिए 1000 रुपए जमा कराने होंगे, तभी आप वहां मुर्दे दफन कर पाएंगे। बाकायदा सरकार ने कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए एक समय सारणी भी प्रस्तावित की है, जिसमें एक नियम भी रखा गया है। इस नियम के अनुसार आधी रात को 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच शवों को दफन नहीं किया जा सकता है। जो परिवार समय सारणी का उल्लंघन करेंगे उन्हें अधिकारियों को 2000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान में मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी दफनाने की परंपरा है। बंटवारे से पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तान में हिंदू आबादी थी। यहाँ पर कराची एक बड़ा शहर है। पाकिस्तान में रहने वाले 80% हिंदू यानी करीब 70 लाख हिंदू शवों को जलाते नहीं बल्कि दफन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा नीची जाति या फिर दलितों का है। ये परिवार दक्षिणी सिंध में रहते हैं और काफ़ी गरीब हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको रोजाना नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।